नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। कोरोना महामारी के इस दौर में लगातार केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की जा रही है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में मास्क नहीं पहनने पर एक शख्स के साथ जो हुआ उसे जानकर आप ही हैरान हो जाएंगे। बैंक में मास्क नहीं पहनने पर गार्ड ने एक रेलवे कर्मचारी को गोली मार दी। रेलवे कर्मचारी को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जबकि आरोपी गार्ड पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल ये पूरा मामला बरेली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां राजेश राठौर नाम का एक रेलवे कर्मचारी किसी काम से बैंक ऑफ बड़ौदा गए थे। हालांकि उस दौरान उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। इसी बात को लेकर बैंक के सुरक्षा गार्ड से उनकी कहा सुनी हो गई, जिसके बाद गुस्साए गार्ड ने सरकारी कर्मचारी को गोली मार दी। आपको बता दें, आरोपी गार्ड का नाम केशव बताया जा रहा है। गार्ड ने रेलवे कर्मचारी के पैर में गोली मारी है, जिसके बाद बैंक में मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। गार्ड केशव की तरफ से चलाई गई गोली राजेश के पैर में लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस, एसएसपी और एसपी सिटी मौके पर पहुंच गए। एसएसपी रोहित सिंह सजवान के मुताबिक इसी बात को लेकर गार्ड और रेलवे कर्मचारी में कहासुनी हो गई थी, जिस वजह से उसने राजेश को गोली मार दी। फिलहाल घायल रेलवे कर्मचारी राजेश जिला अस्पताल में भर्ती है। वहीं आरोपी गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।